लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन से पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी माताजी के सम्मान में राजधानी रायपुर में दहीमन और गृह ग्राम बगिया में रुद्राक्ष का पौधा रोपा है। साय ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस अभियान में अधिक से अधिक शामिल होकर छत्तीसगढ़ महतारी की गोद को हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें। राज्य शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया पर एक पेड़ माँ के नाम प्रोफाइल पिक्चर फ्रेम अभियान की शुरुआत की गई है। हाँ बिल्कुल, हम लोग सभी से आग्रह कर रहे हैं, पिछले समय स्कूलों को भी आग्रह किए हैं कि जिस भी स्कूल में बाउंड्री है, कैंपस है, वहाँ पर सभी बच्चे अपने अपनी माँ के नाम से एक एक पेड़ लगाएं, और उनका अभियान भी शुरू हो गया है। बाकी पूरे प्रदेशवासियों से भी हम लोगों का आह्वान है कि उनको जहाँ भी जगह मिलता है, अपने घर के आंगन में, बाड़ी में, खेत में, खनियाल में, वहाँ पर अपने अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। ये पूरे प्रदेशवासियों से आह्वान है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम से आह्वान किया है, समस्त देशवासियों से आह्वान किया है कि सभी अपनी अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं, और उनके आह्वान को छत्तीसगढ़ में हम लोग एक अभियान के रूप में ले रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे वन विभाग के द्वारा यहाँ पर महावृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया गया, और आज हम लोग हमारे वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी के आमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंत्रीगण आए हैं यहाँ पर। और आज यहाँ पर ये जो पार्क है या गार्डन है, ये करीब करीब 300 एकड़ का है, और इसमें हम लोग शुभारंभ किए हैं। और इस अवसर पर स्कूली बच्चे भी हैं, CRPF के जवान भी हैं, वन विभाग के अमला भी हैं और पुलिस विभाग के भी हैं, सब मिलकर आज यहाँ पर वृक्षारोपण किए हैं। और पीपल, नीम, बड़, हर्रा, बहेड़ा, इस सबका सब बड़ा गुणकारी पेड़ हैं, ऐसे पेड़ों का हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण किए हैं। और वन विभाग पूरे प्रदेश में 4 करोड़ पेड़ लगवाएगा, 4 करोड़ का उनका टारगेट है, जिसका शुभारंभ आज से हुआ है। और आज वन विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में सभी जिलों में 6 करोड़ पौधा लगाया जा रहा है। हाँ, आज 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी, और उनके साथ बैठक हुआ है, जिसमें हमारे सभी मंत्रीगण भी थे, हमारे सभी वित्त विभाग के अधिकारी थे। और आने वाला जो 16वां पंचवर्षीय योजना होगा, उसके विषय में विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। हमारे वित्त मंत्री जी पूरी बात प्रदेश के संदर्भ में आयोग के सामने में रखे हैं, और हमारे मंत्रीगण भी और हम सब लोग अधिक से अधिक राशि 16वें वित्त आयोग में छत्तीसगढ़ को मिले, इसका आग्रह किए। चलिए, For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.